लेकर बीजेपी फुल एक्शन में है। कुछ देर पहले तेलंगाना में पीएम मोदी ने मंच से देश को अपना परिवार बताया तो बीजेपी नेताओं ने सोशल मीडिया पर मोदी का परिवार नाम से कैंपेन शुरू कर दिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने एक्स अकाउंट को अपग्रेड किया, प्रोफाइल पर नाम के साथ मोदी का परिवार लिखा। इसके बाद बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस कैंपेन में शामिल हो गए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल, अनिल बलूनी, पुष्कर धामी, उन्होंने भी अपना अकाउंट अपडेट कर लिया। सबने अपने नाम के साथ बायो में लिखा मोदी का परिवार। दरअसल लालू यादव ने पीएम मोदी के परिवार को लेकर टिप्पणी की थी। इसके बाद पीएम मोदी ने अपने पूरे देश को अपना परिवार बताया। उसके बाद बीजेपी ने विपक्ष के खिलाफ कैंपेन शुरू कर दिया, जैसे 2019 में मैं भी चौकीदार का कैंपेन चलाया गया था। इस बार मोदी का परिवार कैंपेन शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश के जो नेता हैं उन्होंने भी अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लिखा है। शिवराज सिंह चौहान हैं, वीडी शर्मा हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं, आशीष अग्रवाल हैं, इन सभी ने भी अपने नाम के आगे, अपनी प्रोफाइल में नाम के आगे लिखा है मोदी का परिवार। भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टिकरण में आकंठ डूबे इंडी गठबंधन के नेता बौखलाते जा रहे हैं। अब इन्होंने 2024 के चुनाव का अपना असली घोषणा पत्र निकाला है। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। अब तो कल ये कह देंगे कि तुम कभी जेल में, तुझे सजा नहीं हुई इसलिए तुम राजनीति में नहीं आ सकते, ये भी कह देंगे। तेलंगाना के मेरे भाइयों बहनों, मेरा जीवन खुली किताब जैसा है। आप मुझे देशवासी भली भांति जानते हैं, समझते हैं, मेरी पल पल की खबर देश रखता है और कभी मैं रात देर तक जब काम करता हूं और खबर बाहर निकल जाती है तो देश से लाखों लोग मुझे लिखते हैं, बताते हैं कि इतना काम मत करिए, कुछ आराम करिए। ये प्यार भाइयों बहनों, एक सपना लेकर के बचपन में घर छोड़ा था और जब मैंने अपना घर छोड़ा तो एक सपना लेकर के चला था। कि मैं देशवासियों के लिए जीऊंगा, मेरा पल पल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होंगे। मेरा कोई निजी सपना नहीं होगा, आपके सपने यही मेरा संकल्प होगा। और जिंदगी खपा दूंगा तो आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके बच्चों के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए। और इसलिए देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा। और अयोध्या पहुंच चुकी है मोहन कैबिनेट। अयोध्या एयरपोर्ट पर मोहन कैबिनेट के जो तमाम
लोग हैं वो पहुंच चुके हैं, परिवार के साथ पहुंचे हुए हैं। थोड़ी देर में रामलला के दर्शन का सिलसिला शुरू होगा। अलग अलग राज्यों की जो कैबिनेट है वो अलग अलग दिन तय करके कैबिनेट में पहुंच रहे हैं रामलला के दर्शन के लिए। अलग अलग दिन अलग अलग कैबिनेट, और अब मध्य प्रदेश कैबिनेट अयोध्या पहुंच चुकी है और थोड़ी देर में रामलला के दर्शन का सिलसिला शुरू होगा।